हेलो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको मेरी पिछली सीरीज़ काफ़ी पसंद आई होगी। अब मैं आपको अपनी अगली सीरीज़ जिसका नाम है विश्व स्मारकों यानी वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स की खोज की तरफ ले जा रहा हूँ। तो चलिए खोजते हैं और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिखना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट इंडिया में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। इसका कंस्ट्रक्शन 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के शहीद और अज्ञात सैनिकों की याद में किया गया था। हाँ, आपने सही पहचाना, ये अमर जवान ज्योति है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट म्यांमार में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये एक फेमस बुद्धिस्ट रीजन है जो मुनीवा टाउनशिप सैगिंग रीजन म्यांमार में लोकेटेड है। हाँ, ये बोधि तातोंग है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट कोलंबिया में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये कार्टाजेना शहर में एक किला है, ये कॉलोनियल एरा के दौरान स्पेनिश द्वारा बनाया गया था। हाँ, आपने सही पहचाना, ये कैस्टियो सैन फिलिपे दे बेड़ाहेस है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट वियतनाम में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये एक 15वीं सेंचुरी का स्टोन फोर्ट्रेस है जो थाना हुआ वियतनाम में है। इसमें हो डायनेस्टी की वेस्टर्न कैपिटल भी थी। हाँ, आपने सही पहचाना, ये सिटेडल ऑफ दी हो डायनेस्टी है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट म्यांमार में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये एक छोटा सा पगोड़ा है जो अपने मेल डिवोटीज के चिपकाए गए सोने के पत्तों से ढके एक ग्रेनाइट पत्थर के ऊपर बनाया गया है। हाँ, आपने सही पहचाना, ये गोल्डन रॉक पगोड़ा है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट कोलंबिया में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला?
अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। इस जगह के फॉर्मर इनहेबिटेंट्स इंडिजिनस तहिमी ने चट्टान की पूजा की और इसे अपनी भाषा में मुआरा कहा। हाँ, आपने सही पहचाना, ये गुआतापे रॉक कोलंबिया है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट पाकिस्तान में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये 17वीं सेंचुरी में लगभग पूरी तरह रिबिल्ड किया गया जब मुगल एम्पायर अपनी भव्यता की ऊंचाई पर था। हाँ, आपने सही पहचाना, ये लाहौर फोर्ट है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट पाकिस्तान में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये मोहम्मद अली जिन्ना, एक मुस्लिम पॉलिटिशियन और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर के सम्मान में बनाया गया था, जिन्होंने पाकिस्तान की स्थापना की और वहां पहले गवर्नर जनरल बने। हाँ, आपने सही पहचाना, ये मजार कायद है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट वेनेजुएला में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये मॉन्यूमेंट सी लेवल से लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां ये कहा जाता है कि वर्जिन मैरी वर्ष 1570 में दिखाई दी थी। हाँ, आपने सही पहचाना, ये मॉन्यूमेंट टू द वर्जिन है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट मैक्सिको में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये मैक्सिको का एक नेशनल म्यूजियम है, ये मैक्सिको में सबसे बड़ा और सबसे अधिक विजिट किया जाने वाला म्यूजियम है। हाँ, आपने सही पहचाना, ये म्यूजियो नेशनल दी एंथ्रोपोलॉजिया है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट अर्जेंटीना में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। इसमें उल्लेखनीय लोगों की कब्रें, जिनमें ईवा पेरोन अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, नोबेल प्राइज विनर अर्जेंटाइन नेवी के फाउंडर और नेपोलियन की पोती शामिल हैं। हाँ, आपने सही पहचाना, ये रेकोलेता सेमेट्री है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट इथियोपिया में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला?
अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये वेस्टर्न इथियोपियन हाइलैंड्स में स्थित मोनोलिथ चर्चेज हैं, जिसका नाम 12th सेंचुरी के अंत और 13th सेंचुरी के शुरुआती दिनों में राजा गेब्रे मिस्के लालीबेला के नाम पर रखा गया था। हाँ, आपने सही पहचाना, ये रॉक हेवन चर्च लालीबेला है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट इंडिया में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची शहर में एक पहाड़ी पर अपने महान स्तूपास के लिए प्रसिद्ध एक बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है। हाँ, आपने सही पहचाना, ये सांची स्तूपा है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट कंबोडिया में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। इसका निर्माण शाही परिवार की अस्थियां रखने के लिए किया गया था। इसके कई खजानों में से एक 90 पाउंड के एक सोने के बुद्ध हैं, जिसे 9000 से अधिक हीरों के साथ कवर किया गया है। हाँ, आपने सही पहचाना, ये सिल्वर पगोड़ा कंबोडिया है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट जापान में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये जापान के कानागावा प्रांत के कामाकुरा शहर में जोडोशी सेक्ट का एक बुद्धिस्ट टेंपल है। इसके पहाड़ का नाम ताइजान है। हाँ, आपने सही पहचाना, ये द ग्रेट बुद्धा ऑफ कामाकुरा है। तो इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।